अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाने वाले हैं रबड़ी केक। पहले जिस पैन में हम केक बनाएंगे उसे तैयार कर लिया है, ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है और फिर ऊपर भी तेल लगाया। एक प्याले में शामिल करें 2 अदद अंडे, अच्छी तरह फेंट लें। फिर इसमें शामिल करें 1/2 कप तेल, अच्छी तरह फेंट लें। फिर शामिल करें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, मिक्स कर लें। अब शामिल करें इसमें 1 कप रबड़ी। मैं चीनी नहीं शामिल कर रही, अगर आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें 4 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1.25 कप मैदा लिया है मैंने, इसमें शामिल किया 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। अब ये मैदा अंडे वाले मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और हल्के हाथ से फोल्ड करते जाएं। सारा मैदा शामिल किया, 2 खाने के चम्मच दूध शामिल करके मिक्स करें। मिक्सचर बहुत गाढ़ा था इसलिए दूध शामिल किया है। फिर इसमें 2 खाने के चम्मच कटे बादाम पिस्ते शामिल करें और तैयार बेकिंग पैन में सारे मिक्सचर को शामिल कर लें। अच्छी तरह टैप करें। जिस बर्तन में बना रहे हैं उसे पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर गरम किया। अब इसमें सांचा रखते हैं केक का। ढक के बिल्कुल दम वाली आंच पर पकाएं। केक को पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं, अभी केक तैयार नहीं है। स्टिक देखें साफ नहीं आ रही है, लेकिन इस पर अभी हमने 1/2 कप रबड़ी शामिल करनी है। 1/2 कप रबड़ी शामिल करें। बादाम पिस्ते शामिल करें। अब ढककर केक को पकने तक पकाएं। केक तैयार हो चुका है, तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लगा है केक को तैयार होने में। स्टिक से चेक किया, स्टिक बिल्कुल साफ बाहर आ रही है और केक बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी बनाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।